निर्मला सीतारमन देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ये भारतीय संस्कृति में रची बसी हैं। ये साड़ियों की जितनी शौकीन हैं, उतनी ही शौकीन कलर चॉइस की भी हैं। दरअसल निर्मला सीतारमन की पर्सनालिटी की यूएसपी उनकी हैंडलूम और सिल्क साड़ियां हैं। 26 जनवरी 2023 को वो बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी में दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हरी और पीली कांजीवरम साड़ी में नजर आई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे खास मौकों पर ज्यादातर संबलपुरी इकत कांजीवरम की साड़ियों में दिखाई देती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो निर्मला सीतारमन गुडलक कलर्स का भी खास ख्याल रखती है। बजट पेश करने के दौरान भी गुडलक कलर्स को नहीं भूलती, लेकिन काले रंग से उन्हें परहेज है। ब्लैक कलर की साड़ी में उन्हें शायद ही लोगों ने देखा होगा। ब्लैक कलर उनके लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जैसा मामला है। निर्मला सीतारमन ने अब तक 5 केंद्रीय बजट पेश किए हैं और हर बार कलर्स का खास ख्याल रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। निर्मला सीतारमन साल 2019 में पहली बार वित्त मंत्री बनी थी। तमिलनाडु की मूल निवासी निर्मला का साड़ी प्रेम जग जाहिर है। कहा जाता है ना, अपने पहनावे और आपके पसंद के रंगों में आपकी सोच भी साफ दिखाई देती है। हालांकि ये अपवाद में भी आ जाता है और कहीं कहीं ये सोच उल्टी हो जाती है। रंग या पहनावे के अनुसार सोच नहीं मिलती, लेकिन निर्मला सीतारमन इस मामले में भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी साड़ियों से निर्मल सोच झलकती है। वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला ने साल 2019 में पहली बार बजट पेश किया था। उस समय इन्होंने साल 2019-20 का बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमन ने अपने पहले बजट में रानी कलर की साड़ी पहनी थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस रंग को लोगों के व्यक्तित्व की गंभीरता, ठहराव, सद्भाव और संतुष्टि का प्रतीक माना गया है। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। साल 2020-21 में निर्मला सीतारमन ने एनडीए 2.0 शासनकाल का दूसरा बजट पेश किया था। दूसरे बजट में उन्होंने गेंदे के पीले फूलों के रंग वाली साड़ी पहनी थी। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो पीला रंग वसंत का प्रतीक है। इस रंग को आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच वाला माना जाता है। कहा जाता है कि ये रंग उत्साह और उल्लास देता है, जो उनकी बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा को भी दर्शाता है। और निर्मला सीतारमन इस रंग की साड़ी पहनकर कुछ ऐसे ही मैसेज दे रही थी। अब बात करते हैं 3rd नंबर की, यानी हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमन के 3rd बजट की। तब निर्मला सीतारमन ने 2021-22 का बजट संसद में पेश किया था। उस दिन ये लाल गुलाब के रंग जैसी साड़ी पहनकर आई थी। यानी 3rd बजट में निर्मला की साड़ी का रंग गुलाब जैसा सुर्ख लाल था। एक्सपर्ट्स के अनुसार लाल रंग को शक्ति और संकल्प का प्रतीक माना गया है। इस रंग की साड़ी पर बनी अंबियां कला और संस्कृति के जरिए निर्मला सीतारमन कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत को जोड़ने का मैसेज दे रही थी। अब बात करते हैं 2rd नंबर की। 2rd नंबर पर निर्मला सीतारमन के 4th बजट की चर्चा होगी। तब निर्मला संसद में बजट पेश करने के लिए फिर एक नए रंग की साड़ी में पहुंची थी। साल 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का बजट पेश किया गया था और इस दौरान निर्मला सीतारमन ने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी थी। एक्सपर्ट्स के माने तो ब्राउन कलर यानी भूरा रंग ये महसूस कराता है कि आप जड़ से जुड़े हुए हैं। ये कलर धरती का माना गया है, यानी धरती का ये रंग व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ा महसूस कराता है, जिसमें देश के आम और खास सभी शामिल है। इतना ही नहीं, ये रंग सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 1st नंबर की, यानी निर्मला सीतारमन के 5वें बजट की। साल 2023-24 का बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। संसद में इसे पेश करते हुए लगभग 86 मिनट यानी लगभग 1 घंटा 26 मिनट तक इन्होंने भाषण दिया। इनके बजट भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने 124 बार मेज थपथपाई, लेकिन लोगों की नजर तो वित्त मंत्री की साड़ी पर ही लगी थी। निर्मला सीतारमन ने साल 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान लाल रंग की संबलपुरी सिल्क साड़ी पहनी थी। इसे टेंपल साड़ी भी कहा जाता है, यानी इस बार इन्होंने 2021 के रंग को दोहरा दिया था। दरअसल निर्मला सीतारमन ज्यादातर मौकों पर साड़ियों में ही नजर आती हैं और वित्त मंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने पहनावे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। साड़ी पहनकर वो आम भारतीय होम मेकर जैसी ही लगती हैं और एक्सपर्ट भी मानते हैं कि निर्मला पर साड़ी काफी सूट करती है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।